हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से पुइन किचन में आपका। और ये जो गर्मी का मौसम है ना, उमस भरा, ये भी हमारे लिए कुछ सौगातें लेकर आता है, जिसमें से है जामुन का फ्रूट भी। तो चलिए आज बनाते हैं जामुन से कुछ। तो मैंने यहाँ पे ली हैं 25 से 30 के करीब जामुने, और जिनको मैं पील कर लूँगी अच्छे से। इनका पल्प अलग कर लेंगे हम गुठलियों से, ऐसे चाकू की मदद से आप उनको हल्के हल्के हाथ से पल्प अलग कर लेंगे हम, और गुठलियों को साइड में रख देंगे। तो इस तरह से देखिए करना कितना आसान है, बस आपको ऐसे छीलते जाना है। और मैंने 25 से 30 के करीब जामुने ले लिए हैं, बाकी को मैं हटा देती हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है उनका, अभी के लिए यही काफ़ी है। तो हमने जामुन ले ली हैं और गुठलियों को हम हटा देंगे। एक नींबू ले लेंगे और 1.5 चम्मच के करीब काला नमक, 1 चम्मच के करीब चाट मसाला और 2 छोटी चम्मच के करीब भुना जीरा पाउडर, और 8 से 10 हम ले लेंगे काली मिर्चें, उनको क्रश करके पाउडर बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेते हैं, जार हम ले लेंगे और उसमें डालेंगे हम अपनी जामुन के पल्प को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डाल रही हूँ मैं पल्प को, फिर मैं डालूँगी काला नमक, काला नमक नहीं तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, और उसकी मात्रा जो है अपने स्वाद के अनुसार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया चाट मसाला और डाल दिया जीरा पाउडर, और अभी से कर लेंगे हम ब्लेंड अच्छे से। तो अगर ब्लेंड होने में परेशानी आए आपको, तो फिर आप इसमें आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। तो उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करें, फाइन पेस्ट बनाएं बिल्कुल, क्योंकि इस पेस्ट को हमने अभी छानना है। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, और अब इसे हम डालेंगे एक छलनी में और इसे छान लेंगे। तो जग के ऊपर भी जो लग गया है हम उसको भी उतार लेंगे एक बड़ी स्पून की मदद से, और फिर हम उसे चम्मच से हिलाते हुए छानेंगे, क्योंकि ये पल्प काफ़ी गाढ़ा है, तो इसे छानने में थोड़ा प्रेस कर करके आप इसे छानेंगे तो आराम से निकल जाएगा छलनी में से। ठीक है, ये देखिए ये हो गया है, पूरी तरह छन चुका है। अब ये छिलके बचे हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटा देंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए जी, हमें मिल गया है बहुत ही फाइन पेस्ट हमारा मसालेदार, और इसका कलर आप देखिए, थोड़ा पास करके मैं दिखाती हूँ आपको कैमरे के, ये देखिए कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है, और कितना फिर भी कितना बढ़िया रंग आया है। अच्छा, जो अब ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया, इसे हम मिलाएंगे चाशनी में। तो चाशनी के लिए 3/4 कप मैंने ली थी शुगर, और 1 कप मैंने लिया पानी, और उसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक चीनी पूरी तरह पिघल ना जाए। चीनी पिघल जाए उससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, और फिर हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मेरी चाशनी जो बिल्कुल ठंडी है, और इसमें मैं अब मिला रही हूँ ये पल्प, हमारा मसालेदार पल्प, ये देखिए। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम मिलाएंगे नींबू का रस। तो ये मैं आधा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ, आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको अच्छे से मिला लेते हैं एक बार फिर से। और अब रह गई है हमारी काली मिर्च का पाउडर, तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये डाल दिया हमने काली मिर्च का पाउडर, और इसे भी एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हो गया, ये हमारा चटपटा खट्टा मीठा बहुत ही मज़ेदार सा लिक्विड रेडी हो गया है। और इसमें हम मिलाएंगे 4 से 5 कप, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी मिलाएंगे। इसमें से मैंने 2 ग्लास निकाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिसका मैं शरबत बनाने वाली हूँ। और इसे अब हम भरेंगे अपने ये कुल्फ़ी मेकर के अंदर, पॉप्सिकल्स मेकर के अंदर। तो अगर आपके पास ऐसा पॉप्सिकल मेकर नहीं है, तो आप छोटे ग्लासेस और या छोटी कटोरियाँ अगर में सबके पास होती हैं, आप उसमें भी इन आइस कैंडीज़ को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आराम से इन्हें पूरा फिल कर लेंगे, और
आई एम श्योर आपने ये कैंडीज़ पहले कभी नहीं खाई होंगी, और अगर आपने खाई हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और अगर फर्स्ट टाइम आप ऐसी रेसिपी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ऐसी बढ़िया यूनिक रेसिपीज़ लेकर मैं आती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो जब भी मेरी आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैंने कैप्स लगा दी हैं और इसे अब हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में। तो 8 से 10 घंटे में जो हमारी आइस कैंडीज़ हैं वो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगी। तो मैंने अब इन्हें निकाल लिया है, 7-8 घंटे हो गए हैं, और थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने इन्हें पानी की ट्रे के अंदर रख दिया था। ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है, कभी आप भी आज़मा कर देखना चाहें तो देख सकते हैं। पानी की ट्रे में रख दीजिए अपनी कुल्फ़ी, इसको तो वो जल्दी जम जाती है। और थोड़ा सा मैं अभी इसे वॉर्म करूँगी हाथ से ऐसे मसल के, ताकि जो हमारी आइस कैंडीज़ हैं वो अच्छे से निकल आएँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी आइस कैंडीज़ बन के रेडी हुई हैं, और मैंने ट्रे भी आइस से बनाई है। एक बॉल में मैंने पानी भर के रखा, उसके ऊपर दूसरा बॉल रख दिया पानी का, तो हमारी ये ट्रे बन गई है बड़ी खूबसूरत सी। तो मैं सर्विंग को आइस ट्रे के ऊपर ही करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये हमारी आइस कैंडीज़ रेडी हो गई हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर बनाएं और खाएं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।